ये यात्रा समय तो ज्यादा है का यात्रा का, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी टाइम जाता है, लेकिन जितना समय मुझे उपलब्ध था उसका पर्व पर्व मैंने देश की बात करने में, देश की भलाई के लिए निर्णय करने में अपना समय पूरी तरह से उपयोग किया है। चालीस से अधिक महत्वपूर्ण लोगों के साथ मिलने का अवसर मिला, और एक बात हर हिंदुस्तान में जिसकी चर्चा बहुत कम है, और क्यों कम है वो तो समय बताएगा, जो भी नेता मिलते थे खास करके G7 समूह जो दुनिया के समृद्ध देशों का समूह है, वे भारत में G20 के जो प्लानिंग हुआ है और उनके देश के लोग उन मीटिंगों में आए हैं, वापस जाकर के उन्होंने वहां रिपोर्टिंग किया, भारत के नागरिकों ने G20 समूह की करीब 150 से ज्यादा मीटिंग हो चुकी है, 100 से अधिक हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में मीटिंग हुई है, और दुनिया के 40-45 देशों के प्रतिनिधि उसमें आए हैं, और उन्होंने जाकर के वहां जो बताया है, भारत के लोगों ने जिस प्रकार से उनका सम्मान किया, स्वागत किया, ये जो वहां बताया है उसका इतना प्रभाव उन लोगों के मन पे है कि भारत की इस ताकत की पहचान हमें G20 समूहों की मीटिंग में गए हुए हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से मिली है। हम बहुत अभिभूत है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा? कभी कभी भारत की महान परंपरा के प्रति दोस्तों मैं सच कहता हूं, आप भी हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली दिलों की मानसिकता में चूक मत जाना।